हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकाल कर एक बार जरूर देख ले। नंबर एक, यदि जोड़ों के दर्द की समस्या है तो रोजाना 3 से 4 खजूर का सेवन करने से आराम मिलता है, क्योंकि खजूर में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। नंबर दो, ठंड के मौसम में मूंगफली का नियमित सेवन खांसी से राहत दिलाता है। मूंगफली शरीर में गर्माहट लाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इससे दिल स्वस्थ बना रहता है। नंबर तीन, चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए सलाद में रोज चुकंदर लेना चाहिए। नंबर चार, सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से वजन कम होता है, इसका असर आपको 10 से 15 दिन में ही दिखने लगता है। नंबर पाँच, किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करें। नंबर छः, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। नंबर सात, पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी रुक जाती है। नंबर आठ, अगर आप गुड़ के चावल का सेवन करते हैं तो इससे खांसी और गले में खराश रहती है, दिक्कत नहीं होती है। नंबर नौ, अगर बुखार हो रहा हो तो हींग को पानी में मिलाकर हाथ पर लगाने से बुखार में आराम मिलेगा। नंबर दस, सुबह के समय 3 से 4 पत्तियों नीम की चबाने से फोड़े, फुंसी और चेहरे का दाग धब्बे जैसी समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 11, दांतों में अगर पीलापन हो तो नमक के पानी से कुल्ला करें, इससे दांतों का पीलापन दूर हो जाएगा। नंबर 12, रोजाना एक रसगुल्ला या छेना खाने से आंखों में होने वाली जलन और पीलापन जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। नंबर 13, यदि आपके दांत में दर्द है तो एक लौंग अपने दांत में रख ले, इससे दांत दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 14, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चने में नींबू, अदरक के टुकड़े, प्याज, खीर, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाए, इससे आपके पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। नंबर 15, हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर 16, अगर आपको अच्छी नींद देने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस होता है तो आपको शरीर के अंदर पानी की कमी है, इसलिए जब भी सो कर उठे तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। नंबर 17, यदि आपको बेचैनी और थकावट महसूस होती है तो अनार के जूस में नींबू मिलाकर पिए। नंबर 18, ज्यादा थूक बाहर निकलने से हमारा दिमाग कमजोर होने लग जाता है और शरीर में भी पानी की कमी आ जाती है और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नंबर 19, घुटने में दर्द है तो अखरोट की गिरी खाए, फायदा मिलेगा। नंबर 20, यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, चावल और मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन कम से कम करें। नंबर 21, काले हाथ पैरों पर नींबू का रस मलाई में मिलाकर रोजाना लगाने से साली त्वचा भी धीरे धीरे गोरी होने लगते हैं। नंबर 22, अगर सर्दी में बुखार हो रहा है तो 1 ग्राम अजवाइन कूटकर कपड़े में छान ले और उसे पोटली में बांधकर सूंघने से आराम मिलता है। नंबर 23, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर 24, फ्रिज में कम से कम सामान रखने का प्रयास करें, बासी आटा सब्जी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है। नंबर 25, अगर आपको खाज खुजली की दिक्कत होती है तो ताजा एलोवेरा को काट कर उसका जेल लगाए, इससे आपको आराम आ जाएगा। नंबर 26, दांतों को स्वस्थ और साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए,
उसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। नंबर 27, मेहंदी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए। ज्यादा देर तक मेहंदी को लगाए नहीं रखना चाहिए। ज्यादा देर बालों में मेहंदी लगे रहने से बालों की चमक खत्म हो जाती है। नंबर 28, चेहरा धोने के लिए दिन में एक बार सादा पानी की जगह चावल का पानी इस्तेमाल करें। इससे रंग तेजी से गोरा होता है। नंबर 29, औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात को 3 खजूर पानी में भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट पानी पी ले और खजूर खा ले। इससे खून की कमी दूर होती है। नंबर 30, हाथों और पैरों के ठंडा रहने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण शरीर में हो रही विटामिन की कमी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो आपके हाथ पैरों के तलवे ठंडे रहते हैं। नंबर 31, अगर आपके पैर की एड़िया फट गई है तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एड़िया ठीक हो जाएगी। नंबर 32, यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो दूध में अदरक मिलाकर उबाल कर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको कैसी लगी आज की घरेलू टिप्स की वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही न्यू टिप्स वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।